पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये तीनों मेनिंजेस से वो होती है, कवर्ड होती है। उसके बाद सबड्यूरल स्पेस, इनके बीच में सब एब्डोमिनल स्पेस। वो समझ में आ गया आपको? तो दो में C1 से लेकर 8 की होती है ना, क्योंकि सर जो सारी सर्वाइकल नर्व सेंसेस करती है वो सारी सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर से करती है, लेकिन एक C7 के नीचे से देख सकते हैं। ठीक है सर। और इसके बाद ये हो गया, और एक होता है यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम का एंडो एसटीएम है, लास्ट में से अगर ये वर्टिब्रल कैनाल है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ड्यूरा मैटर से शुरू होगा, तो ये एंडो एसटीएम और ड्यूरा मैटर के बीच में एपिड्यूरल स्पेस होती है, यहाँ पे एनेस्थीसिया एपिड्यूरल स्पेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स के नेटवर्क्स होते हैं, इसलिए एनेस्थीसिया यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया भी यहाँ पे देते हैं एपिड्यूरल स्पेस। और लंबर पंक्चर होता है L3-L4 या फिर L4-L5 के बीच में। सर लंबर पंक्चर तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है, मतलब कोई वहाँ पे उसी, हाँ बट वो था कि देते एपिड्यूरल स्पेस में लंबर पंक्चर, क्योंकि इनकी लेंथ में फर्क होता है, इसलिए कभी भी स्पाइनल सेगमेंट और वर्टिब्रल कॉलम कॉरेस्पॉन्ड नहीं करते, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि C1 के सामने C1 स्पाइनल नर्व होगी या C2 के सामने C2 स्पाइनल नर्व होगी, क्योंकि लेंथ में डिफरेंस है, इसलिए स्पाइनल सेगमेंट्स भी वेरी करती है, हमेशा वर्टिब्रल कॉलम नीचे होता है लेंथ में अगर देखा जाए, और स्पाइनल सेगमेंट्स उनकी ऊपर की तरफ लाई करती है, इस तरीके से होता है। अगर मैं सर्वाइकल बनाऊ होते हैं, बेसिकली सारी सेल बॉडीज यहाँ पर है, या फिर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है यहाँ पे, लेकिन व्हाइट मैटर में सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं।
माइलिन शीट की वजह से उनको व्हाइट कलर मिल जाता है, इसलिए व्हाइट मैटर कहते हैं। ठीक है, और तो ये होते हैं, अगर मैं इसको हाफ में डिवाइड करूं तो ये है, यहाँ पर है तुम्हारा एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न। एंटीरियर हॉर्न इज मोटर इन फंक्शन, ये मोटर सप्लाई देता है, और पोस्टीरियर जो है वो सेंसरी है, वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन परसीव करता है। कई जगह में हमें लेटरल हॉर्न्स भी मिलेंगे जहां पर विसरल सप्लाई देनी होगी, विसरा को सप्लाई देनी होगी। लेटरल हॉर्न्स जो होते हैं वो विसरा को सप्लाई करते हैं, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सेंट्रल वाला